देखो जो 19वां सवाल है ना, इसमें भी क्या करना है, के का मान बताना है, ठीक। जबकि बताया है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। इसमें कितने हल? अनंत हल। यानी रेखाएं फिर कैसी हैं? संपाती। कैसी हैं? संपाती। यानी कि यहाँ पे ऐसा रहेगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ठीक। अगर ऐसा है ना, तभी अनेक हल होंगे, यानी अनंत हल होंगे, ठीक। रेखाएं संपाती होंगी। तो हमें करना का है यहाँ पे a1 अपान a2 बराबर कितना? 2, और बटे यहाँ पे x के आगे क्या लिखा है? k प्लस टू, ये लिख देना है, ठीक। कामा लगा देना है और यहाँ पे लिख देना है b1 अपान b2 बराबर कितना है? 3 बटे 6। बस हमें यहीं से ले लेना है इन दोनों को, ठीक, ये वाला, यानी कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 से। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 2 बटे k प्लस 2, और यहाँ पे बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये बराबर है ना आपस में, और यहाँ पे लिख देना 3 बटे 6। अब 6 का 2 से गुणा और इनका 3 से गुणा, ठीक, इनको इनसे और इनको इनसे। देखो 6 दुन्ना 12 और बराबर यहाँ पे 3 के और प्लस 3 दुनी 6, ठीक। अब 6 का क्या करना है? पक्षांतरण। क्या करना है? पक्षांतरण। अब देखो ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में, तो 12 और माइनस 6 और बचा गया इधर 3 के। अब 12 से 6 निकलगा, कितना बचा? 6। क्या बचा? 6 और बराबर कितना? 3 के। अब आगे देखो इधर, अब यहाँ पे जो 3 है ना, के साथ गुणा कर रहा है ना, अब इधर जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें लिखना है बराबर, और 6 बटे क्या आ जाएगा? 3, और बराबर यहाँ पे क्या बचा? के बचा। क्या बचा? के। अब 3 एक कम 3 और 3 दुनी 6, तो यहाँ पे के का मान कितना आया? 2, ठीक। ये आंसर।